मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नक्सलियों के कब्जे से रिहा हुए कोबरा बटालियन के जवान राकेश्वर सिंह मन्हास और उनके रिहा कराने वाली मध्यस्थों की टीम के सदस्यों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने इन लोगों का शॉल और श्रीफल भेंट कर अभिनंदन किया। वहीं इस अवसर पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और उद्योग मंत्री कवासी लखमा भी मौजूद रहे। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कोबरा बटालियन के जवान को रिहा कराने के लिए मध्यस्थ टीम ने संकट के समय में बड़ी सूझबूझ का परिचय देते हुए बड़े सहज रूप से अपने काम को अंजाम तक पहुंचाया और जवान को सकुशल रिहा कराने में सफल हुए। इस कार्य की जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। टीम के सदस्यों ने एक जिम्मेदार नागरिक का दायित्व निभाया और साहस के साथ अपनी भूमिका निभाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि जवान राकेश्वर सिंह मन्हास की माता जी को उन्होंने मन्हास की सकुशल वापसी का वचन दिया था और मुझे संतोष है कि सभी के सहयोग से ये वचन पूरा हुआ है। सीएम ने कहा कि मध्यस्थ टीम राकेश्वर सिंह मन्हास को उनके घर तक सकुशल छोड़ने के लिए जम्मू भी जाएगी। ये ऐसी मध्यस्थता किए जिसमें न कोई तनाव था न कोई शर्तें थी और बहुत ही सहज रूप से इस कार्य को अंजाम दिया गया। बहुत सूझबूझ के साथ सभी साथियों ने संयम के साथ धैर्य के साथ जो काम किया उसके लिए मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं, बधाई देता हूं। और तारकेश्वर जी को भी जो नई जिंदगी मिली है, उनकी माता जी से जो मैंने वचन दिया है उसे हमारे अधिकारियों और इन साथियों की वजह से हम पूरा कर पाए।